दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, अगर आप निकॉन का Z30 कैमरा परचेज करते हो, साथ ही साथ आप कोई एक प्राइम लेंस को परचेज कर लेते हो। एग्जांपल के तौर पे इस वीडियो में मैंने निकॉन के 50mm f1.8 के साथ प्रैक्टिकल किया है। इस लेंस के साथ आपको कैसा परफॉर्मेंस मिलता है सब कुछ बताऊँगा, इसके फ़ायदे इसके नुकसान, आपको परचेज़ करना चाहिए नहीं परचेज़ करना चाहिए, परचेज़ करने के बाद ये कैसा परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि एक फुल फ्रेम का लेंस है, एस लाइन का लेंस है, साथ ही साथ निकॉन का Z30 एंट्री मॉडल कैमरा है। अगर आप सोशल प्लेटफॉर्म के लिए या फिर डे टू डे लाइफ के लिए रील शॉट के लिए अगर आप परचेज़ करते हो या फिर आप वेडिंग के लिए परचेज़ करते हो, तो ये लेंस कैसा होने वाला है निकॉन Z30 बॉडी के साथ, कैसा परफॉर्मेंस देने वाला, दोस्तों पूरा इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूँगा। जो हमारे पास लेंस है आज वो है निकॉन का जेड सीरीज़ का 50mm f1.8 एस लाइन लेंस है, और अगर हम इसको निकॉन के Z30 बॉडी के साथ अटैच करते हैं तो इसका परफॉर्मेंस, इसका रिजल्ट कैसा आने वाला है, फोटोग्राफी हम करेंगे साथ ही साथ वीडियोग्राफी भी हम शूट करेंगे, कैसा परफॉर्मेंस देने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों वीडियो में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ में शेयर करते रहता हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस फायदे की, कि इस लेंस से हमें क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो देखिए, जो 50mm का f1.8 है, ये बैकग्राउंड बोके, डी फोकस की बात करो, ब्लरनेस की बात करो, तो अल्टीमेट आपको बैकग्राउंड बोके आपको इफेक्ट्स देने वाला है। साथ ही साथ लो लाइट की जो परफॉर्मेंस है अल्टीमेट आपको देखने को मिलेगा, कि हम लो लाइट के सिचुएशन में फोटो वीडियो को शूट करते हैं तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा मिलेगा, खासकर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी शूट कर सकते हैं इस लेंस के साथ आप। साथ ही साथ बात करें कलर्स और शार्पनेस का, बहुत ज़्यादा बढ़ जाना है इस लेंस को अटैच करते हैं। दोस्तों निकॉन का ही लेंस है तो जो ऑटो फोकस का जो परफॉर्मेंस है आपको बहुत बेहतर देखने को मिलेगा, और अगर इस कैमरे के साथ अगर मैं इसका चेक करूँ, वेट की बात करूँ, तो देखिए थोड़ा सा मुझे लग रहा था, थोड़ा सा हैवी लग रहा था, क्योंकि 50mm के जो ऑप्टिकल से बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, थोड़ा वेटेड है, बट ऐसा नहीं है कि आप ऑपरेट नहीं कर सकते हो, आप एक हाथ से भी, वन हैंड से भी इसको आराम से आप कंट्रोल कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खासकर अगर आप गिम्बल में इसको ऑपरेट करना चाहते हो तब तो बहुत ही बढ़िया होगा, अदरवाइज हाथों से भी आप आराम से इस कैमरे को यूज़ कर पाओगे, क्योंकि निकॉन का Z30 का जो बॉडी का ग्रिप है ना वो काफ़ी डीप है, वन हैंड कंट्रोल इजीली आप इसको ऑपरेट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो कई बार होता है ना, हमें अलग अलग एंगल्स को शूट करना पड़ता है, तो एक हाथ से भी अगर आप शूट कर सकते हो किसी भी एंगल में पोर्ट्रेट करके, लैंडस्केप करके, तो आप ईजिली इस कैमरे को ऑपरेट कर सकते हो इस लेंस के साथ। तो दोस्तों अब हम करेंगे लाइव फोटोग्राफी प्लस वीडियोग्राफी का ऑटो फोकस के टेस्टिंग। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, आई पे सेट कर दिया है, ठीक है, पीपल आई पे मैंने ऑटो फोकस को सेट कर दिया है। अब आपके साथ मैं लाइव प्रैक्टिकल करूँगा कैमरे का मूवमेंट, ठीक है, और सामने जो मेरा सब्जेक्ट है सिर्फ और सिर्फ उनका फेस ही दिख रहा है, तो कैमरा का जो ऑटो फोकस की जो स्पीड है वो आप खुद से चेक कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया। इस लेंस के साथ जो ऑटो फोकस का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बढ़िया है, कैमरा अपने सब्जेक्ट को काफ़ी फास्ट और एक्यूरेट फोकस लॉक कर रहा है आईज पे प्रॉपर, बस कैमरा आपके सब्जेक्ट के सामने होना चाहिए, कैमरा बहुत ही फास्ट काम कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको वीडियोग्राफी मोड पे मैं स्विच कर देता हूँ, उसके बाद देखेंगे कि वीडियो में इस कैमरे का क्या परफॉर्मेंस है, अगर आपको फुल फ्रेम एफएक्स का इसमें लेंस लगाते हैं। वैसे Z30 का अगर मैं ऑटो फोकस की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो बहुत बढ़िया है, तो यहाँ पे देखिए मैंने वीडियोग्राफी मोड पे स्विच कर दिया, और यहाँ पे भी जो ऑटो फोकस है ना, एरिया मोड मैंने पीपल आई पे कर दिया है, ऑल एरिया पीपल आई पे कर दिया है और ऑटो फोकस रखा है। अब देखिएगा जो ऑटो फोकस है वीडियोग्राफी मोड पे वो किस तरह से काम करता है, फोटोग्राफी के मुकाबले तो नहीं है, क्योंकि फोटोग्राफी में क्या होता है, ऑटो फोकस जो पॉइंट्स होते हैं वो सारे एक्टिव होते हैं, कंपेयर करें वीडियो में जो ऑटो फोकस पॉइंट्स होते हैं दोस्तों थोड़े कम हो जाते हैं, 20% के आसपास लेस हो जाते हैं, बट कुछ भी कहो निकॉन Z30 का जो ऑटो फोकस की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बढ़िया है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने दोनों टेस्ट करके दिखा दिया, लाइव आपको टेस्ट करके दिखा दिया, मीन्स अगर आप इस लेंस को अटैच करते हो तो आपको बेनिफिट्स बता दी क्या क्या मिलने वाला है। साथ ही साथ ऑटो फोकस बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, चाहे फोटोग्राफी की बात करें चाहे वीडियोग्राफी की बात करें। अब कुछ बात करते हैं जो आपको शायद नापसंद भी आ सकता है, या जो आप नुकसान कह सकते हो कि इस लेंस को लगाने के बाद मुझे ऐसे कैसा नुकसान हो सकता है। बिल्कुल होगा, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी है जो आपको पता होनी चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ ट्रैकिंग देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त ट्रैकिंग भी इस लेंस के साथ पॉसिबल है दोस्तों, और मैंने थोड़ा ट्राई भी किया था ना, सब्जेक्ट को फ्रेम से बाहर कर दिया था, हाँ थोड़ा मेरा जो हाथ का मूवमेंट था थोड़ा स्लो था, बट मैं ट्रैकिंग को पूरे सब्जेक्ट
से बाहर कर दे रहा था फ्रेम से, आप खुद से देखिएगा। और वो जो ट्रैक कर रहा था ना, बहुत ही बढ़िया ट्रैक कर रहा था, मीन्स इस लेंस के साथ परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। और Z30 का परफॉर्मेंस ऑटो फोकस की स्पीड ट्रैकिंग तो है ही ऑलरेडी बहुत अच्छी है दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की, कि इस लेंस को लगाते ही क्या आपको डिसएडवांटेज मिलने लगेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो निकॉन Z30 निकॉन का DX क्रॉप सेंसर कैमरा है, मीन्स 50mm फुल फ्रेम 50mm लगाते हैं, इसमें आपको 1.5 से क्रॉप देखने को मिलेगा। तो जो आपका फोकस लेंथ हो जाएगा ना, वो 75mm का हो जाएगा, मीन्स ऐसी जगह जहाँ पे अगर आप डिस्टेंस मैटर करता है तो वहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे ये फोकस लेंथ चेंज नहीं करने वाला है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों बॉडी में कोई भी स्टेबलाइजेशन नहीं दिया गया है, मीन्स आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा VR का, और लेंस में भी कोई VR सपोर्ट नहीं है, क्योंकि ये फुल फ्रेम लेंस है। जो फुल फ्रेम कैमरों में VR दिया हुआ है उनके लिए लेंस बना हुआ है, बट इस बॉडी में लगाने के बाद कोई भी आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा VR का, जिसमें जो हमें नुकसान होगा ना, जब भी हम वीडियो को शूट करेंगे तो शेकनेस आ सकता है, शेक कर सकता है आपका कैमरा। और फोटोग्राफी में बात करूँ तो जब फोटोग्राफी आप शूट करेंगे, आप ज़्यादा लो शटर पे शूट नहीं कर पाएंगे दोस्तों। देखिए VR के लिए भी समाधान है, अगर आप चाहो तो इसका भी समाधान है। अगर आप ऐसी जगह शूट करो बिना गिम्बल के, तो आप इसमें डिजिटल VR को यूज़ कर सकते हो। डिजिटल VR में क्या होगा, आपका जो 1.5x से क्रॉप होता है वो ना 1.8 तक वो चले जाएगा क्रॉप, आप खुद से देख लीजिए, सामने बहुत माइनर सा क्रॉप हो रहा है, शायद 1.6 है, ठीक है, तो इतना सा क्रॉप मिलेगा। इसके बाद जो वीडियो शूट होगा ना, वो पहले से काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगा। अभी मैं आपको फोटोग्राफी प्लस वीडियोग्राफी का सैंपल भी आपके साथ में शेयर करूँगा। फोटो का जो क्वालिटी मुझे लगा है बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा बैकग्राउंड डीफोकस बोके मिला है, बोके तो ऐसा कुछ रात में मैंने शूट नहीं किया, बहुत अच्छा डे में शूट किया तो बहुत अच्छा बैकग्राउंड डीफोकस मिला है। साथ ही साथ वीडियो की जो परफॉर्मेंस रही है, क्वालिटी बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा शार्पनेस है। और यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉनिक VR पे शूट किया है मैंने वीडियो, तो मुझे पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्टेबल मिला है। तो सैंपल आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, साथ ही साथ अगर आप चाहो तो आप इलेक्ट्रॉनिक VR को ऑन कीजिएगा। इससे क्या होगा, कुछ पिक्सल्स कम हो जाएंगे, बट कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा मूवमेंट शूट कर रहे हो तो आपको बेटर वीडियोग्राफी शूट कर पाएंगे दोस्तों। आई होप दोस्तों, अगर आप प्लान कर रहे हैं कि मुझे एंट्री मॉडल कैमरे के साथ, या फिर मैं निकॉन Z30 की बात करूँ, या निकॉन Z50 की बात करूँ, या ZFC की बात करूँ, अगर आप इनके साथ कोई भी प्राइम लेंस को अगर आप कनेक्ट करते हो, देखिए परफॉर्मेंस वाइज अभी Z30 का परफॉर्मेंस ऑटो फोकस स्पीड बहुत ही बढ़िया है, कंपेयर करें Z50 से और कंपेयर करें ZFC से, उससे इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा जितना 50 से देखने को मिलेगा। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आपके सामने मैंने लाइव शेयर किया है फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी टेस्टिंग और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ मैंने शेयर किया है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर कर देना वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, साथ ही साथ कमेंट कर देना आपको क्या अच्छा लगा, कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों चैनल पे अगर आपने पहली बार विजिट किया तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ में शेयर करते रहते हैं। और दोस्तों हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से ये वीडियो रिकमेंड हो सकता है आपके ही सर्च करने वाले सब्सक्राइबर भाइयों के साथ। तो दोस्तों चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ में शेयर करते रहता हूँ। चलिए दोस्तों नए वीडियो में जल्दी आपसे मुलाकात हुई, तब तक के लिए गुड बाय।